जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने की अप्लाई किया था एसएससी कॉन्स्टेबल जीडी 2021 की। जो आप लोग की वैकेंसी थी 25,000 प्लस वैकेंसी, जिसकी कि आप लोग यहाँ पे रिटर्न एग्जाम सफलतापूर्वक करा लिए गए। जी हाँ, रिटर्न एग्जाम यहाँ पे आप लोग के कंप्लीट हो गए और आप लोग के यहाँ पे रिजल्ट भी आया। रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिला। जी हाँ, जो मिनिमम कट ऑफ जो एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन में दिया गया था जनरल ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन वालों का 35% और एससी एसटी ओबीसी वाले 33% मिनिमम पासिंग मार्क्स, यानी कि इससे कम पे आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो सकता, इससे ऊपर ही आप लोग के मार्क्स होने चाहिए। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ, कट ऑफ भी आप लोग के लिए कम करनी पड़ी, क्योंकि वो स्टूडेंट्स ही नहीं मिल पा रहे थे जिनकी की कट ऑफ से ऊपर मार्क्स हो। जी हाँ, जितने स्टूडेंट बुलाए जाने थे फिजिकल के लिए उतने स्टूडेंट नहीं हो पा रहे थे, इस वजह से आप लोग की जो मिनिमम कट ऑफ भी कम करनी पड़ी एसएससी को। सारा खेल यहाँ पे जो था वो आप लोग का माइनस मार्किंग। जी हाँ, माइनस मार्किंग की वजह से इस बार ऐसा देखने को मिला। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुनहरा मौका है यदि आप लोगों ने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया है और मिनिमम कट ऑफ से आप लोग की जो है मार्क्स ठीक ठाक हैं, तो आप लोग के सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस हैं, पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि रिटर्न एग्जाम के बाद आप लोग का जो है एसएससी ने यहाँ पे फिजिकल, जी हाँ फिजिकल के लिए भी आप लोग को एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यदि आप लोगों ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो अपना फिजिकल का एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। जी हाँ, पीईटी पीएचटी और रनिंग का आप लोग के लिए आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने आप लोग को लिंक दिया है, डायरेक्ट आप लोग उस पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग लग जाइए तैयारी में। जी हाँ, प्रिपरेशन में लग जाइए, रनिंग वगैरह आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका आप लोग को इस बार मिला है। तो देखिए, फिजिकल आप लोग फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं। काफी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर एडमिट यानी कि हम फिजिकल देने जाएंगे तो फिजिकल देने जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लेकर के जाने। हाँ जी, इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आप लोग को क्लियर कर दूं डॉक्यूमेंट को लेकर के। डॉक्यूमेंट आप लोग को कुछ इसमें ऐसा स्पेशल लेके नहीं जाना है, आप लोग जो है एडमिट कार्ड, जो आप लोग का एडमिट कार्ड ऑनलाइन जो डाउनलोड हो रहा है उसे डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने आप लोग को दिया है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा आप लोग जो है एक फोटोकॉपी, जी हाँ ओरिजिनल एडमिट कार्ड आप लोग ले लेंगे, और एक आईडी प्रूफ आप लोग को लेके जाना है। आईडी प्रूफ आप लोग का होना चाहिए जिसमें कि आप लोग की फोटो लगी हो, ठीक है, चाहे वो आप लोग का आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड हो, ठीक है, पैन कार्ड हो, जो भी हो, ठीक है, आप लोग का फोटो उस पर होना चाहिए आईडी प्रूफ के लिए। आधार, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस है, बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप लोग रख लेंगे, आप लोग का एडमिट कार्ड हो गया, एक आईडी प्रूफ हो गया, और चार फोटो आप लोग को रखने हैं। जी हाँ, चार लेटेस्ट फोटो आप लोग जो आप लोग रख लेंगे, चार फोटो आप लोग रख लेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसा आप लोग को नहीं चाहिए। एडमिट कार्ड के नीचे आप लोग को जो कोविड के रिलेटेड दिया हुआ है वो आप लोग को फिल करके वहाँ पर सबमिट होगा, ठीक है। और इसके अलावा यदि आप लोग हाइट में और चेस्ट में छूट ले रहे हैं, जी हाँ हाइट और चेस्ट में यहाँ पे आप लोग को छूट मिलता है यदि आप लोग एसटी कैंडिडेट हैं। और इसके अलावा यदि आप लोग गढ़वाली कुमाऊँ डोगरा मराठा और अरुणाचल प्रदेश सिक्किम मिजोरम वगैरह, ठीक है, वो सारा का सारा आप लोग का फिजिकल का जो सिलेबस है उसमें आप लोग को दिया हुआ है पूरा का पूरा। यदि आप लोग हाइट और चेस्ट में छूट ले रहे हैं, लेते हैं, तो उसके लिए आप लोग के पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जी हाँ, उसका सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए, वो आप लोग को लेके जाना पड़ेगा। ओरिजिनल और फोटोकॉपी आप लोग दोनों ही रख लेंगे यदि हाइट और चेस्ट में आप लोग छूट ले रहे हैं। तो नहीं ले रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एडमिट कार्ड लेके जाइए, इसके अलावा आप लोग आईडी प्रूफ रखिए और चार फोटो आप लोग रख लेंगे, और कोई स्पेशल चीज आप लोग को लेके नहीं जानी है। तैयारी कीजिए, जी हाँ फिजिकल की तैयारी कीजिए, काफी सही समय पे आप लोग को जो है यहाँ पे फिजिकल लिया जा रहा है। फिजिकल होने के चांसेस यहाँ पे कम थे, बट कुछ फिजिकल चल रहे थे कुछ डिपार्टमेंट के, उन डिपार्टमेंट के फिजिकल को रोक दिया गया और एसएससी जीडी का फिजिकल यहाँ पे लिया जा रहा है। बहुत ही अच्छा बात है, बहुत ही अच्छी
न्यूज है आप लोग के लिए। फिजिकल आप लोग के यहाँ पे 18 मई से स्टार्ट है, जो कि 9 जून तक यहाँ पे चलने वाले हैं। और फिजिकल के बाद में आप लोग को क्लियर कर दूं, मेडिकल होते हुए बहुत ही जल्द आप लोग के फाइनल यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग होने वाली है। तो ये रिक्रूटमेंट बहुत ही अच्छी रहने वाली है आप सभी लोगों के लिए। जी हाँ, जिन लोगों ने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया है, बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है आप लोग के लिए। तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि 2023 में आप लोग को पता होना चाहिए कि न्यू रिक्रूटमेंट आ रही है। तो पूरी जानकारी मैंने आप लोग को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दे दी। इसके अलावा भी कोई जानकारी लेनी तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जान से लेकूंगा। यदि चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि किसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग क्लियर रखें। थैंक यू।